खूब कहा है, बहुत मिलेंगे रास्ता भटकने के लिए, बहुत मिलेंगे रास्ता भटकने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। नमस्कार मित्रों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल DMR राशि फल में। मित्रों आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों का 27 जुलाई दिन कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और तुला राशि वाले लोगों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम बताएंगे तुला राशि वाले लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। मित्रों आपकी भी तुला राशि है तो वीडियो को पूरा देखें। मित्रों आज का दिन मंगलवार है, बजरंगबली महाराज का दिन है, बजरंगबली महाराज की पूजा अर्चना करें। मित्रों और कमेंट में जय बजरंगबली महाराज लिखें, बजरंगबली महाराज आप सभी की सभी मनोकामना पूरी करेंगे। मित्रों वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों अब बात करते हैं आज की चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। आज आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि लोगों को इन चार चीजों का रखना चाहिए ध्यान। पहली बात कहते हैं दो ज्ञानी लोग, जब दो ज्ञानी बात कर रहे हों तो उनके बीच से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि एक पुरानी कहावत है ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो हुई ज्ञान की बात, यानी जब दो ज्ञानी लोग मिलते हैं तो वह ज्ञान की बात ही करते हैं, ऐसे में उनकी बातचीत में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। और आचार्य चाणक्य जी दूसरी बात कह देते हैं कि ब्राह्मण और अग्नि, यदि उसी स्थान पर किसी स्थान पर अग्नि के पास कोई ब्राह्मण बैठा है तो इन दोनों के बीच से कभी भी नहीं निकलना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में यह संभव है कि ब्राह्मण हवन या यज्ञ कर रहा हो और हमारी हवन पूजाओं में अधूरा रह सकता है। और आचार्य चाणक्य जी तीसरी बात कहते हैं कि मालिक और नौकर, जब स्वामी और सेवक एक बातचीत कर रहे हैं तो उनके बीच में ऐसे भी नहीं निकलना चाहिए, हो सकता है कि स्वामी अपने सेवक को जरूरी कोई काम के समझा रहा हो, ऐसे में समय यदि उनके बीच निकलेंगे तो मालिक और नौकर के बीच एक समय व्यवस्थित होगा। और चाणक्य जी चौथी बात कहते हैं पति और पत्नी, यदि किसी स्थान पर कोई पति पत्नी अकेले खड़े हैं और बैठे हैं उनके बीच से नहीं निकलना चाहिए, यह अनुचित माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि पति और पत्नी एकांत भाग न होनी चाहिए और पति पत्नी घर के परिवार किसी गंभीर समस्या की चर्चा कर रहे हों या निजी बातचीत कर रहे हों तो हमारी वजह से उनकी बातों में निजी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। मित्रों यही था आज की चाणक्य नीति का ज्ञान। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं आज के पाचांग के बारे में। पाचांग 27 जुलाई दिन चल रहा है, मंगलवार, तिथि चल रही है चतुर्दशी, नक्षत्र चल रहा है शतविषा, ऋतु चल रहा है वर्षा, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्योदय होगा 6:21 पर और सूर्यास्त होगा 5:56 पर। आज का शुभ समय 8:20 से 9:48 तक। आज का अशुभ समय 2:19 से 4:20 तक। आज तुला राशि वाले लोगों की भाग्यशाली संख्या 1 है और भाग्यशाली दिशा उदक्षिण है और भाग्यशाली रंग नारंगी है। मित्रों अब बात करते हैं आज के संपूर्ण राशिफल के बारे में। राशि, आज का दिन आपको किसी लंबी ट्रैवलिंग के साकेत देगा, आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी कर सकते हैं, इससे मानसिक शांति मिलेगी, मन में बड़े अच्छे विचार आएंगे और आप अपनी साइड इनकम पर भी ध्यान देंगे, इनकम में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आज का दिन अच्छा रहेगा और आप अपने सफलता मिलेगी। प्रेम जीवन बिता रहे लोग आज आप अपने रिश्ते में प्यार देखकर काफी खुश होंगे। यदि आप अपनी शादीशुदा जीवन साथी के साथ शॉपिंग करने जा सकते हैं क्योंकि आज आप अपने खर्चे बनेंगे और आज आप परिवार के साथ हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर एक आनंद पूर्वक समय व्यतीत करेंगे, आय में नए साधन बनेंगे और मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। स्थिति आर्थिक वृद्धि होगी, कार्यों में प्रगति रहेगी, स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है और निरंतर भागदौड़ की स्थिति रहेगी, लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी महसूस करेंगे। आज का दिन आपको आर्थिक हालात के सुधारने की कुछ प्लानिंग भी करनी होगी। कारोबार कर रहे हैं तो बिक्री बढ़ाने के समय व्यतीत करेंगे और नए प्लान करेंगे। नौकरी कर रहे हैं तो परिश्रम बढ़ाने की जरूरत है। आज वाहन चला रहे हैं तो मन को एकाग्रित कर चलाएं और मोबाइल पर बात करना या संगीत सुनने में मगन होने से हादसा व्यय महसूस करेंगे और स्वास्थ्य को लेकर स्थिति सामान्य रहेगी। सर्दी खांसी सांस लेने में तकलीफ महसूस करेंगे। संयुक्त परिवार में रह रही हैं तो संभव है कि छोटी यात्राएं और सदस्यों के साथ विवाद आपको उत्पन्न होगा। व्यापार कर रही हैं तो संभव है कि छोटी यात्राएं भी करें
करेंगे और आपको व्यापार में आर्थिक लाभ भी मिलेंगे। अधिक से अधिक लोगों के लिए संपर्क फायदेमंद आपके योग होंगे और आज का दिन आपको शिकायतें दूर करेंगे, उन्हें पूरा समय दे, बाहर कहीं नौकरी के अवसर मिलेंगे और सफलताएं भी मिलेंगी। नव कारोबार में संभव आपको लाभ भी मिलेगा। युवा वर्ग मनपसंद कोर्स करेंगे। करियर संबंधित कोई पढ़ाई पर भी फोकस जरूरी है। स्वास्थ्य को लेकर तत्परता दिखानी होगी, खास तौर पर महिलाएं इसके लिए सावधान रहें और घर को लेकर भावनात्मक फैसले लेने होंगे। कोशिश करें कि निष्पक्ष निर्णय लें और काम में देरियां होंगी और महसूस करेंगे। कारोबार वर्ग में ले समझदारी पुराना अवनवा फायदेमंद होगा, इसका लाभ उठाएं। किसी को दिया हुआ उधार वापस मिल सकता है। युवा वर्ग आज आत्मविश्वास से बचना होगा और करियर पर फिलहाल फोकस करेंगे। कार्य क्षेत्र में नए विकल्प के बारे में विचार करेंगे। व्यापार संभव है कि छोटे यात्रा व्यापार में वृद्धि होगी, मनोबल बढ़ेगा और शत्रुओं को हानि होगी। छात्राओं को प्रतियोगिता करनी होगी। यात्राओं में लाभ होगा। पारिवारिक किसी आज इस तरह का सहयोग की उम्मीद रहेगी। इस दिन अतः आज सूर्यदेव आपकी राशि में प्रवेश होंगे, जबकि आपकी राशि में चल बुध ग्रह स्थितियों में आपकी कुछ बुद्धि उल्टी सीधी काम करेगी। ऐसे में मन छोड़े नियंत्रण रखने का प्रयास करें और संबंध स्थापित होंगे। ढीले पड़े रिश्तों में प्यार स्नेह मजबूती आएगी। कार्य क्षेत्रों में अधिकारियों का सहयोग सम्मान प्राप्त होगा और प्रभाव और प्रतिष्ठा में लाभ मिलेगा। आपको धन रुचि और धार्मिक कार्यों में दान पुण्य के कामों में काम रुचि मिलेगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। प्रेम प्रसंग दफ्तर जीवन में मधुरता बनी रहेगी और किसी यात्रा पर मिलेंगे विशेष कार्य पूर्ण होंगे कि दुर्गा माता की रहकर पूजा अर्चना करें और असंभव होगा। आज का दिन आपको महान पुरुषों से मिलजुल बढ़ाने की संभावना है। नई कार्य विधिक तकनीक विचार के उपरांत कुछ निर्णय लें और आप कम समय में अधिक से काम करने में संभव होगा, क्योंकि इस समय आपकी हिम्मत पुरुषाचार शक्ति बढ़ी हुई है और घर के पुराने लटके हुए कार्यों में बना लेने का मौका रहेगा। कार्यों में सफलता मान सम्मान में वृद्धि के योग रहेंगे और अकस्मित उलट फिर आपको लाभ मिलेगा। भाग्य में आज आप साथ देने में बेताब रहेंगे। कर्म करते जाओ और सब कुछ तकदीर के ऊपर छोड़ दो। धन लाभ होगा। कार्य क्षेत्रों में आज का दिन मिला जुला साबित होगा। व्यापार पारिवारिक स्थिति कारण तनावपूर्ण माहौल होगा। आज आप अपने बहुत सी बातों को लेकर चिंताएं लगी रहेंगी। आप बेचैनी का अनुभव करेंगे। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता होगी। आज किसी का वाहन मांगकर न चलाएं और स्वास्थ्य घुटने दर्द महसूस करेंगे। स्वास्थ्य का कुछ ध्यान महसूस करना पड़ेगा और आप उत्तम रहेगा। आज राशि में समय बेकार नहीं जाएगा। मित्रों, यही था आज की राशि का राशिफल। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों, अब बात करते हैं आज की चाणक्य नीति ज्ञान की।